तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ज्वाइन कर लिया क्या? अरे नहीं यार, वो एक प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया है, इनके लिए सेट डिजाइन कर रहा हूँ। चल मैं मिलता हूँ उनसे बाद में। गुड लक। थैंक्स। कमीने, तेरा मैं खून पी जाऊंगा। अबे यार सुन, बात सुन, बात सुन। बात क्या सुनूं मैं तेरी? तेरी बीवी बन के रह रहा हूँ और तेरी वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात आई है। जो डिजाइनर कह रहा है मुझे। ओ यार पैसे दे दूंगा तुझे। पैसे देगा तू? तू मुझे पैसे देगा? मैं तेरी जान ले लूंगा साले। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू तेरी हिम्मत कैसे हुई चारों? तू शक्ल नहीं दिखा मुझे अब अपनी। अस्सलाम वालेकुम। आप हवलदार है ना? अरे ना भी बताते तो आप तो लगते ही हवलदार है। हम शाहरुख के माँ बाप हैं। मैं शाहरुख का मालिक मकान हूँ। आए वो आते ही होंगे। अच्छा मालिक मकान है, अपने छोटे वाले को कह रहे कि वो आते ही होंगे। जी जी। शाहरुख ने कभी बताया नहीं है आपके बारे में। देखे जी, इसमें बताने की क्या बात है, हर एक के माँ बाप तो होते हैं ना। खैरियत तो है? वो बस वो शाहरुख की मंगनी थी तो हमने सोचा कराची चले। शादीशुदा की फिर से मंगनी? शादीशुदा? देखिए मैं प्रोफेसर हूं लेकिन इतना नहीं हूं कि मुझे पता ना लगे कि मेरा बेटा शादीशुदा या गैर शादीशुदा। आपका क्या मतलब है? उसने क्या यहाँ शादी कर रखी है? आपने शाहरुख की बीवी को नहीं देखा? वैसे तो देखा मैंने भी नहीं है। तो जब आपने देखी नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते कि वो शादीशुदा है? वो दरअसल इतना पर्दा करती है कि मुझे शक है कि शाहरुख ने भी उसको नहीं देखा हुआ है। शाहरुख आओ बेटा, तुम्हारे अम्मा अब्बा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने आना था तो बता तो देते। अच्छा, ताकि तुम अपनी बीवी को छुपा देते। हाँ क्या मतलब? तुमने इनको ये नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है? आप मेरे साथ मेरे कमरे में आइए, मैं आपको बताता हूँ। तुम पहले हमें ये बताओ, तुमने क्या शादी कर रखी है? हाँ बताओ। शादी? बताओ 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 की है। चलो लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। वैसे मेरे ख्याल में तो ऐसे बच्चे को कभी माफ नहीं करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे वालिद इतने खानदानी और रसूल परस्त हैं। वाल्दा के बारे में पता नहीं लेकिन मैं भी इसे कभी माफ नहीं करूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे वालदैन इतने गैरतमंद हैं। तुम ये बताओ तुमने ये हरकत की क्यों? मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आप मेरे साथ है, मेरी बात तो सुनना। चलो आप सुन पूरी बात तो सुन लेना इसकी। हाँ। अच्छा चलो बताओ, क्या बताना चाहते हो बोलो। अब क्या पूछना? अगर इसने बताना होता तो ये छुपाता ही क्यों? सही है ना, अगर बताना था तो खुद बताता। ये तो हम इत्तेफाक से आगे तो ये बताना शुरू कर रहा है। नहीं भाई, बात सुनने का क्या फायदा? अगर बेटा एक दफा दिल तोड़ दे इस तरह से तो फिर क्या फायदा कोई भी बात सुनने का। सही कहा आपने, जब बेटा ही दिल तोड़ दे तो क्या बात सुन ले। चलो बेटा, ये है बाप की इज्जत। ये है बाप की इज्जत। पापा किसका रिश्ता आया था?
उस लफंटर मारुख शाहरुख के माँ बाप आए थे, उसने उनको बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। इतना बड़ा धोखा। पापा ये भी तो हो सकता है कि उसकी बीवी को भी पता ना हो कि वो शादीशुदा है। बीवी से शादी हुई है तो शादीशुदा ही हुआ ना। अरे शाहरुख, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे। ओह, आज तो आपकी माँ बाप से मुलाकात हुई है तो खुश तो बहुत होंगे आप। तुम्हें कैसे पता कि ये खुश है? साइंस की रूह से अगर मर्द चुप हो तो वो खुश होता है और अगर औरत चुप हो तो वो खुश नहीं होती। हवलदार एक दफा रिटायर भी हो जाए तो उसका शक करना नहीं जाना। मुझे तो पहले ही शक था कि तुमने अपने वालदैन को नहीं बताया हुआ कि तुम शादीशुदा हो। आपको कैसे शक था? साफ ही अपना सोर्स और पुलिस वाले अपना खबरी कभी नहीं बताते। आईक्यू बहुत लो है आपका शाहरुख, आप प्लीज जाके इसी वक्त ड्रिप लगवाइए। आपकी ग्लूकोज कहाँ है? वो भी नाराज होके लड़के मैके चली गई है। तो उसका मतलब है आज माँ बाप भी नाराज हो गए और बीवी भी। बड़ा ही प्रोडक्टिव दिन था वैसे। आप इसे प्रोडक्टिव कह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ वो समझ गए। शर्त ये थी कि बीवी होगी तो तुम रहोगे, तो जब बीवी आ जाए तो तुम भी वापस आ जाना। वो इतनी जल्दी थोड़ी मानेगी। साइंस कहती है। साइंस इस बारे में कुछ नहीं कहती। साइंस बीवी को कुछ भी नहीं कहती। शाहरुख आप एक काम करो, आप अभी इसी वक्त अपनी बीवी को किसी मॉल ले जाएं जहाँ पे सेल लगी हुई हो, 50% ऑफ होगा, वो खुश हो जाएगी। आप उसे बहुत सारी शॉपिंग करवा दीजिएगा, उसके बाद वो मान जाएगी। और पापा आप तो रिटायर्ड खावन भी हैं, आप शाहरुख को कुछ टिप्स क्यों नहीं देते? मैंने बीवियाँ मनाने का कोई ट्यूशन सेंटर खोल रखा है? चलो, शर्त यही थी बीवी होगी तो तुम यहाँ रहोगे। चलो नहीं लेकिन वो निकलो यहाँ से, जब आ जाएगी तो आ जाना। वो सब देखेंगे। ग्लूकोज मेरा यार, नाराज क्यों है? क्या वजह है यार? तूने सबके सामने मुझे चोर डिजाइनर साबित करा दिया, पूछने की वजह नहीं है यार। उसके बदले में अनुषे ने मुझे अपना फोन नंबर दिया। मेरे भाई की वजह से अनुषे से मेरी शादी हो जाएगी। मेरा यार मेरी शादी का हीरो होगा। यस इमेजिन। तेरी शादी में मैं कैसे हीरो हो गया? तुझसे तो अच्छा बंदा पुलिस वाले से दोस्ती कर ले, 99 दफा नुकसान देगा ना तो एक दफा फायदा भी देगा। यार ये ज्यादती है, मुझे भी आजमा दे, 2-3 मरतबा तो मैं भी फायदा दे दूँ। अब छोड़ना यार, चल मेरा भाई ने आ जा। यार मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तो कहाँ सोएगा यार? सड़क पे। और वैसे भी वो हवलदार अपने घर जाने नहीं देगा मुझे तेरे बगैर। कहाँ जा रहा है? ये पकड़ अपना बुरका, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है यार? बकवास नहीं कर यार, ये तो ज्यादती है यार। यार ग्लूकोज पागल हो गया यार, रुक तो सही। अब देख गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट यार, इतना भरम कमाल हो गया वैसे। ठीक है भाई ठीक है, ना कर, कौन सा पता चलेगा बुरके में कौन था। या अल्लाह, हाय है बाबू, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करेगा। मेरे मन की मुराद तो पूरी हो गई। हाय हाय कड़े करा, क्या मतलब? देख बात सुन, मैं तुझे अच्छे पैसे भी दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा, बस मेरा एक काम करना होगा। सारे गिरे यही बोलते हैं, मैं नाटू इतबार करती। मैं ऐसा नहीं हूँ, बस बुरका पहन के मेरे साथ चलना होगा। क्या मतलब ये बुरका? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत ही नहीं, बस ये बुरका पहन, ये ले पकड़। ये तुम क्या करने लगे हो? ओहो ये पहन। नहीं नहीं पहन तो सही, चल मेरे साथ। चल तो सही, खुद ही पहन ले। हाँ पीला के कड़े करा। ओहो कहाँ लौट के आ जाते तो छोड़।
Why you acting like this could be something tragic? I got my one dream, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby girl, you got it. No. वाह भाई, क्या महफिल लगी हुई है। ये केटी क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि उस नए किराएदार की बीवी को कैसे दिखा जाए। और मैं भी यही सोच रहा हूँ। पापा, ये गलत बात है। जो मैं सोच रही हूँ आप कैसे सोच सकते हैं? भाई सब अपना अपना सोचें। वैसे मैंने सुना उसकी बीवी काफी नफसियाती है, हर वक्त हाथमंद होती रहती है। छोड़ो ना यार, तुम्हें इससे क्या है? तुम कोई कम नफसी आती हो? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। जैसे ही उसकी बीवी घर में एंटर होगी, मैं उसका नकाब उलट दूंगी, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया है। वैसे है कहाँ वो? वो नाराज होके चली गई है और शाहरुख उसे मनाने गया है। शाहरुख कौन है? हाँ अनुषी, तुम्हारी भी वही मिसाल है। सारी रात हीर सुनते रहो और सुबह उठ के पूछो कि हीर मर्द थी या औरत। लो भाई, ऐसे ये भी नहीं पता कि शाहरुख हमारा नया किराएदार है। पता नहीं कहाँ रहती है भाई। क्या देख रही हो इतनी हैरानी से? यही तो हमारे नए किराएदार हैं। ये सुबह तो मैंने किसी और को देखा था। वो जरूर इसका दोस्त होगा, कभी कभी आ जाता। तुम्हें पता है इनकी बीवी ना पर्दा करती है। इनकी बीवी देखी क्या? ये शादीशुदा है। हाँ? अवलदार साहब, आप क्या बताऊं, मैंने बहुत कोशिश की इसको मनाने की, लेकिन वो मानी नहीं, नाराज है मुझसे। बीवी को मनाने की कोशिशें नहीं करते, मिन्नतें करते हैं। और बीवी को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कहो कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूं, फौरन मान जाएगी। दूसरी की भी कोशिश की लेकिन वो भी नहीं मानी बुर्का पहनने को। वैसे मुझे आपसे ही उम्मीद ना थी। क्या बीवी को नाराज करने की? नहीं, आपके सामने इतनी ज़हीन लड़की खड़ी है और आपने उसे मशवरा नहीं लिया। बिल्कुल ठीक, आप मुझसे मशवरा करें। मैं खुद को ज़हीन कह रही हूँ। सिर्फ कहने से क्या होता है, ये तो अपने जमाने में पापा भी कहते थे कि वो बहुत ईमानदार अफसर थे। अच्छा, फजूल बकवास नहीं। कहते हैं कि बीवी को और जेवर को कभी भी ससुराल में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना दोनों हाथों से निकल जाते। जाए जाके अपनी बीवी को लेकर आए। पापा देखे, ये अकल की बातें कर रही है। ये काम तो आपने मुझे दिया है ना। हवलदार साहब, बस आज की रात मुझे यहाँ रुकने दें, कल उसको मना के ले आऊंगा। अगर नहीं आएगी ना तो आप यकीन करें सारा सामान उठा के चला यहाँ से, सामान ले जाऊंगा। ऑनेस्टली पापा, ये सामान चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि सुबह सामान उठाकर चला जाऊंगा। ओ, ये अपने सामान की बात कर रहे हैं। ठीक है, मारुख, मेरा मतलब है शाहरुख, एक रात की मोहलत है। अगर कल तुम्हारी बीवी नहीं आई तो तुम भी गए। अभी इजाजत है, सुबह दफ्तर भी जाना है मुझे। पापा, वो हम सबकी तज़हीक करके चला गया। इंसल्ट करके चला गया? इंसल्ट इंग्लिश में होता है, उर्दू में तज़हीक करके चला गया। वो कैसे? उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह दफ्तर भी जाना है, इसका मतलब जैसे हम सब फारिग हैं। इसने ऐसा कहा? इसका मतलब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब तुम लोग कहाँ जा रही हो? सोचने। या अल्लाह, इन लड़कियों को अकल दे। या ऐसे बेवकूफ, कूड़बगस, अकल से हारी लड़के भेज जो इनको बर्दाश्त कर सके। हेलो बाबा। मर गया तुम्हारा बाबा। आप कोई और बोल रहे हैं? तुमने हमारी नाक नीची कर दी। उसने क्या किया है? आपके तो पूरे खानदान की नाकी भी नहीं है। बाबा, आप समझ नहीं रहे। अच्छा, मैं समझ नहीं रहा। तुम क्या अलजबरा हो जो मैं समझ नहीं रहा? तुम्हारी सारी गलतियां, तुम्हारी सारी फजूल बातें मैं भूलता रहा, और तुम ये समझते रहे कि मैं प्रोफेसर हूं इसलिए भूल जाता हूं। नहीं, तुम्हारा बाप था इसलिए भूल जाता था, लेकिन ये शादी वाली बात कभी नहीं भूलूंगा।
आप हमारी शादी को गलती कह रहे हैं? अरे उसकी शादी को गलती कह रहा हूँ। बाबा आप अम्मी से बात कराएं, आपको समझाना बहुत मुश्किल है। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं नहीं मैंने बात करनी। ये क्या किया आपने? फोन बंद किया है, बात करने से मना नहीं किया, करना चाहती हो तो करो। हेलो अनुषे, इसका मतलब है कि मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। एक्सक्यूज मी अनुषे, वो शायद गलती से तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। प्लीज अनब्लॉक कर लीजिए अपने फोन पर। हेलो, हाँ बोलो। कौन? अनुषे, शाहरुख क्या तुम्हारे साथ है? शाहरुख? कौन शाहरुख? अच्छा, नहीं ऑफिस वाला शाहरुख। मैंने उसको सुबह से नहीं देखा। नहीं देखा? मैं सामने खड़ा हूँ। चलो ठीक है, अगर दिखता है तो तुम्हारी तरफ भेज दूंगी। What's wrong अनुषे, अब क्या हुआ? ये क्या है, किस बात पे नाराज हो? हाँ कोमल। हेलो अनुषे, वो कोई नैना आई है, उसका ऑडिशन लेना है। शाहरुख तो है नहीं, कौन लेगा? एक काम करो, उसका नंबर ले लो और जब शाहरुख आएगा तो उसको भेज देना। ठीक है? ठीक है, ओके। शाहरुख आएगा मत, अगर कोमल ये करे तो समझ में आता है, उसके साथ जो कैफे में हुआ उसको यही करना चाहिए। लेकिन तुम किस बात से नाराज हो मुझसे? स्मेल आ रही है साइड से। नहीं मेरे मेरे तो नहीं, मेरे ऊपर नहीं। बेटर। क्या क्या मैं फिल्मी हीरोज की तरह इनविजिबल हो गया हूं? मैं इट्स गोइंग ऑन। व्हाट क्यों बोल रही हो? ओके फाइन, जब तक मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहां मेज पे तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा। अब देखता हूं कब तक नजर नहीं आता। हाँ सर, आप यहाँ? हाँ, अभी इनविजिबल था, सर सर कर रही हो। सर आप यहाँ? ये क्या कर रहे हो? What is wrong with you? सर, इनको लग रहा है कि इनविजिबल मैन है। इनविजिबल मैन नहीं, मैड मैन। आप एक काम करें, आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाके अपना एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आए, मेंटल हेल्थ का जाइए। सर वो क्या, आपका रूम वहां, आप यहाँ करते क्या रहते हैं, इनके आस पास मंडाते रहते हैं। प्लीज लीव राइट नाउ, लीव। अरे आपके कैबिन में करते क्या है हर वक्त? व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट आर यू ऑलवेज डूइंग हियर मैन? आप इनको हंस रहे हैं वो, आप मेरी बात सुने शाहरुख।
यस। अस्सलाम वालेकुम लॉर्ड साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब वो दरअसल मुझे आपसे एक काम है। खड़े जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? मैं तुम्हें काम करने वाला रखता हूं, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर सब समझता हूं। ये लीजिए मेरा कार्ड। ये भी अजीब बात है, आप बीमारियों के कार्ड छपने लगे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं चैनल वालों की तरफ से आया हूँ। वो दरअसल मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। डॉक्टर मोटानी को तुमने पागल समझा हुआ है कि तुम्हें नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट दे दूं ताकि तुम टीवी पे प्रोग्राम करो कि एक पागल को नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है? डॉक्टर साहब जॉब रिक्वायरमेंट है, उनको बस ये सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं 100% बिल्कुल नॉर्मल। चैनल्स पर अगर सब नॉर्मल लोग आ गए तो रेटिंग कहां से आएगी? सेक्रेटरी की हर बड़ी बीमारी का मरीज कहता है मैं नॉर्मल हूं, मैं नॉर्मल हूं। अगर मैं तुम्हें नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट दे दूं तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो है ना उसको ताले पड़ जाए 100%, तो मैं भी नॉर्मल नहीं हूं, समझे? अरे डॉक्टर साहब आप यकीन कीजिए, मेरा नाम शाहरुख है, बस आप मुझे एक सर्टिफिकेट बना दें। तो तुम भी यकीन करो, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं एक्टर शाहरुख खान हूं। आप कैसे शाहरुख खान हो सकते हैं? तो तुम एक नॉर्मल इंसान कैसे हो सकते हो? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं नॉर्मल हूं? यह भी एक नफ्सियाती बीमारी है जिसे मरीज अपने आप से ज्यादा दूसरे को यकीन दिलाना चाहता है कि वो नॉर्मल है। आपको दाखिल होना पड़ेगा। हाँ, मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर साहब, दैट्स इट। इस कागज पर क्या लिखा हुआ नजर आता है डॉक्टर मोटानी? यही तो हर नॉर्मल शख्स तस्वीर के दोनों रुख देखता है और तुमने तो एक ही रुख देखा है, समझे? तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। ये क्या पागलपन है? इसी का तो इलाज करना है। आप इस फॉर्म को फिल करके दे दो, मैं आपका इलाज करूंगा। आपको 10 सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, फीस एडवांस में। देखो इस दवा जो मैं बात करने लगा हूँ और से सुनना। हमें पता है कि आप क्या कहेंगे। देखो लड़कियों, बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है और खबरदार जो किसी ने ऊट पटांग हरकत की तो। और सुनो, इस बार अगर किसी ने कोई उल्टी हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लड़कियां अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं, उनका असली घर उनका ससुराल होता है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, मगर तुम लोगों को कैसे पता लगा? क्योंकि पापा हर रिश्ता आने से पहले आप यही लाइंस देते हैं, कुछ स्क्रिप्ट चेंज करें, कब तक ये पीटीवी की तरह पुरानी बातों पे गुजारा करते रहेंगे? बस बात हो गई, मैं तुम लोगों का बाप हूं, थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इजी लेना शुरू हो जाओ। देखो लड़का आ रहा है और इस दफा अगर किसी ने उसकी बैंड बजाई तो पता है मैं क्या करूंगा। क्या करेंगे? मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो आप हमें ढूंढेंगे, फिर हमें डांटेंगे, उसके बाद हमारे लिए रिश्ता ढूंढने लग जाएंगे। बिल्कुल यार पापा, प्लीज करो। ओके पापा। ये है बाप की इज्जत, बाप का मकाम, और ये है 4G जनरेशन। अच्छे वक्त में तो दोस्त को छोड़ना बनता है, बुरे वक्त में कौन छोड़ता है? भाई बुरा वक्त तो मेरा चल रहा है, ड्राइविंग सीट पर सोए तो सर्जेंट ने चालान कर दिया क्योंकि ड्राइविंग सीट पर सो नहीं सकते, पीछे सोए तो चोरी हो गया। तू चोरी हो गया? कैसे? अबे यार चोर जल्दी में था, गाड़ी चुराने आया था, मुझे भी साथ ले गया। मेरी कहानी ज्यादा दुखी है, हवलदार साहब ने घर से निकाल दिया,
मामा पापा को बता दी कि मैं शादीशुदा हूँ, वो नाराज हो गए। अनुषे अलग नाराज, वजह ना मालूम। और अब्बास साहब ने कहा है कि मेंटली फिट होने का सर्टिफिकेट लेके आओ, वरना नौकरी से छुट्टी। नौकरी, छोकरी, माँ बाप सब गए। चल दफा हो जा, तुझे दुखी करने के लिए मैं ही मिला हूं ना, मुझे तेरी बात का इतना सा भी एतबार नहीं है। मैं कब चाह रहा हूं एतबार कर, बस बुरका पहन और घर चल मेरे साथ, वरना रकम गई। तू इंतहाई एहसान फरामोश है, तेरी बीवी बन के रहा हूं, बुरका पहन के पता नहीं कहां का टकरे मार दी, दिमाग घूम गया मेरा। दिमाग तो तेरा पहले से घुमा हुआ था, अब नकली बीवी बन के असली मेहनत ना करा, चला जा। शर्म तो आनी रही तुझे, काम चोर कहता तो दुख ना होता, लेकिन डिजाइन चोर का है यार। अच्छा छोड़ ना यार, चला यहाँ से। अबे बात तो सुन ले मेरी यार, बात तो सुन ले। अबे Tragic. I got my wand with me, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby girl, you got it. No. एक मिनट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वो एक छोटा सा काम था आपसे। मैं आपको पैसे दूंगा अगर एक छोटा सा काम कर दें। मेरी बीवी नाराज होकर चलेगी अगर आप लोग ये बुरका पहन के मेरे साथ चलें तो। मेरे घर आप बुरका पहने या आप मेरे साथ चलें? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वो एक छोटी सी गुजारिश करनी थी आपसे। वो मेरी बीवी भाग गई है और वो किराएदार जो है मुझे घर से निकाल देगा अगर आज रात वो ना आई तो। बस इतना था कि अगर ये बुरका पहन के आप चंद लम्हों के लिए मेरे साथ चलें वहाँ पे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जवान बच्ची के सामने तुम ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो? नहीं मेरा बुलाओ, अभी महल्ले वालों को बुलाओ, बुलाओ रोड पे से बुलाओ, चलते वो को। नहीं नहीं ये मतलब नहीं, आप फिर क्या मसला है तुम्हारा? नहीं मसला क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं अच्छा मसला बताओ। बेहुदा यार, कोई राजी नहीं हो रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे हाँ, वो जो आज ऑडिशन के लिए आई थी उसको फोन कर देता हूं। आज आप ऑडिशन के लिए आई थी, वो रियलिटी शोज का ऑडिशन? जी 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 सर। हाँ सर, तो क्या इस वक्त ऑडिशन है? हाँ हाँ इसी वक्त अभी। बीवी की तलाश? सर रोल अच्छा होता मैं बिल्कुल कर लूंगी। हाँ हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप अग्री करती हैं तो बस आ जाएं। मैं एक घंटे में आती हूँ आपके पास। ओके। जमाल आप कहीं जा रहे हैं? रिश्ता देखने हैं? मेरा मतलब है कि पार्टी वालों को घर दिखाना है क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता देखने वालों ने आना है। मुझे भी अपने साथ ले चले। डील वाली जगह पर तुम्हें कैसे लेके जा सकता हूँ, अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरा शूट है ना, तो मुझे रास्ते में उतार दीजिएगा। अच्छा चलो चलो चलो, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। हाँ भाई जल्दी आना। ये पकड़ अपना बुरका, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा है यार? बकवास नहीं कर। ग्लूकोज क्या हो गया यार, रुक तो देख, तेरी गाड़ी स्टार्ट होगी मुझे पता है। अभी देख, अभी हो जाएगी, हो गई स्टार्ट। यार इतना भरम, कमाल हो गया वैसे। शाहरुख जितना भी कमीना है तो मेरा दोस्त। सच्चा दोस्त तो वो होता है जो मुश्किल के वक्त काम आए, और इसने मुझे दोस्त बनाए भी इसीलिए। शाहरुख मैं आ रहा हूं। कहां रह गए? इतनी देर से आई हो? ओ,
सॉरी सर, मेकअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। कहा तो था रियलिटी शो है, मेकअप की क्या जरूरत है। सर आपने कभी रियलिटी में भी किसी औरत को बगैर मेकअप के देखा है? उनके घर में अगर आग भी लग जाए ना, मेकअप करती है उसके बाद सबको इतला देती है कि उनके घर में आग लग गई है। अच्छा बहरहाल मेरी बात गौर से सुनो, मेरे मालिक मकान के पास जाना है और वहां जाकर के उनको ये कहना है कि तुम्हारी अम्मी बीमार है और जब वो ठीक हो जाएंगी फिर तुम वापस आ जाओगी, और हाँ उनके सामने ये भी कहना है कि आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। ओके सर। सर मेरी वालिद और वालिदा का कैरेक्टर कौन कर रहा है? ओहो सब बताता हूँ, पहले ये लो, ये सब कुछ तुम्हें इस बुरके को पहन के करना है। बुरका? सर सर आपको नहीं लगता कि मैं इसमें तो सारी परफॉर्मेंस छप जाएगी और इतना अच्छा तैयार हुई हूँ। ओह बीबी ये रियलिटी शो है, इसकी लिंकिंग अलग से स्टूडियो में होगी, मेकअप भी कर लेना, अच्छे से कपड़े भी पहन लेना, अब चलो। ओके। और हाँ सुनो, वो सब रियल कैरेक्टर्स हैं, उनको पता ना चले कि तुम एक्ट्रेस हो। तो आप लड़का हैं जी? मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। वो रिश्ते वाली खातून बता रही थी कि आप प्रॉपर्टी डीलर। हाँ जी, पेशा बड़ा। वैसे ये आपका घर कितने का है? ये घर हमें बेचना नहीं है। पूछना तो मेरा फर्ज था, वैसे मेरी अपनी जाती हाउसिंग सोसाइटी है। आपकी कितनी फैमिलीज हैं जो आपकी अपनी जाती हाउसिंग सोसाइटी है? IQ बिल्कुल नहीं है आपका। आप ले ना और ले भाई। लड़कियों अगर तुमने लड़के से कुछ सवाल पूछते हैं तो पूछ लो। जमाल साहब मुझे पूछना था कि आपका नाम क्या है? जमाल? आप मुझे ये बताएं, आपको शादी करने का ख्याल इतनी देर से क्यों आया? वो बस जी वो मैंने सुना है कि आपका अपना जाती घर भी है। तो और कौन कौन रहता है उसमें? हाँ जी, मैं और मेरी बीवी। क्या? नहीं मेरा मतलब है मैं अभी अकेला रहता हूँ, शादी के बाद तो अपनी बीवी के साथ रहूंगा। सही। अच्छा मुझे बताएं कि आपको हम लड़कियों में से कौन पसंद है? मुझे आप पसंद है। ये हमारी सबसे छोटी बेटी है और इसकी शादी सबसे आखिर में होगी। तुम्हें सब पसंद आ गई, मैं पसंद नहीं आई? आप भी पसंद हैं, आप कर ले। लगता है बहुत कंफ्यूज है किससे शादी करूं, है ना? एक काम करें ना, टॉस कर ले। ये ठीक है? नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इनसे कर दें। नहीं ये ठीक है, ये भी ठीक है। मैं सोच के बताता हूं। तो हम यहां पे लड़की का रिश्ता लेने आए हो या सब्जियां खरीदने आए हो? ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। मेरी लड़कियों की तौहीन कर रहे हो। इधर ही बैठना, हिलना नहीं, मैं जरा अभी आता हूं। हिलना नहीं। अच्छा अब बताएं, हम लड़के में से आपको कौन पसंद है? और देखें खूबियां भी बतानी है। सबसे पहले तो मैं, लगता है हमारे नए किरायेदार अपनी बीवी के साथ आ गए। शाहरुख भाई आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। ये है हमारे नए किरायेदार शाहरुख और उनकी बेगम। कैसे? कैसी भाभी? और ये जमाल साहब हैं, हमारा रिश्ता देखने आए हैं। आपने बताया नहीं कि आपको हम सब में कौन अच्छा लगा? वो किधर गई? उनके बाद आपसे है। मुझमें क्या कमी है? लीव जल्दी से बता दे वरना पापा को गन मिल जाएगी। बंदूक? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा नहीं, इसे आप नहीं मैं मारूंगी। तुम क्यों मारोगी? क्योंकि ये मेरा खावन है। बताती हूँ मैं भी, शादी करने आया था। शादी करने आया था।
मिनट, अगर 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 ये तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारी बीवी कहाँ है? अगर बहुत बुरा फंसे, मैं हूँ इसकी बीवी। तो चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से, पता नहीं, चलो यहाँ से, चलो। मेरी बच्ची तुम कहाँ थी? मेरी बच्ची मैं भी कहूँ तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो आज? इसकी ये हरकत है जो मैं लड़की अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ, इसको कोई समझाने वाला भी नहीं। चलो तुम अभी कमरे में, तुम चले बैठ के कमरे में, चलो तुम, चलो चलते क्यों नहीं हो, चलो। बेगम मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा। तुम्हारी यही हरकत है जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप के घर लड़के चली जाती हूँ। मार भाई मार, हैं? बड़ा शाहरुख बना फिरता है, अब समझ में आई आटे दाल का भाव? ऐसी कैसे हो जाएगी तुम्हारी? बेगम प्लीज बस कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे बस कर दूं? तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से बेगम, तुम्हारी बच्ची का हार भी तो सॉलिड है ना एकदम। तुम्हारी वजह से माँ बाप के घर चली जाती हूँ, इसीलिए लज लड़के लज लड़के चली जाती हूँ, तुम्हारी ये हरकत है। बेगम वादा करता हूँ आइंदा नहीं करूँगा, बड़ा हीरो बना सकता है।